सुरेश राम जी लापता हो गए थे और कल उनकी लाश बरामद हुई। नहीं है, छोटे छोटे चार बच्चे हैं उनके और वो एक प्रेग्नेंट भी है, बच्चा भी होने वाला है। महिला हूँ, उस महिला के दर्द समझ सकती हूँ और हम लोग भी बचपन में कुछ इसी दौर से गुजरे हैं, इसलिए बेहतर तरीके से मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। शायद समय से प्रशासन लग गई होती तो उस घर का जो चिराग था बुझता नहीं, बुझने से पहले घर में आ जाता। संवना दिया और बोला कि जहाँ तक आपकी मदद होगी साथ खड़ी है। पूरा ये हमारा गांव सहयोग देगा, हमारे गांव बहुत खुश है कि आए हुए हैं, अब हम लोग जिताएंगे। मैं यही पचरुखी की बेटी हूँ और सिवान की बहू हूँ। मैं जीत कर आऊंगी तो कुछ करूंगी, इस उम्मीद में वो मुझे माला पहना रही है। अनुसूचित बस्ती में कल की घटना थी, लेकिन मुझे रात में पता चला कि सुरेश राम जी लापता हो गए थे और कल उनकी लाश बरामद हुई। और परिवार में काफ़ी और पूरे गांव में शोक की लहर थी, तो हम लोग भी उस परिवार से मिलने आए। वहां जाने के बाद पता चला कि जो उनकी पत्नी है, छोटे छोटे चार बच्चे हैं उनके और वो एक प्रेग्नेंट भी है, बच्चा भी होने वाला है, और घर में वो एक ही सदस्य थे कमाने वाले और वो परिवार बिल्कुल मजदूरी करते थे, बालू के पलदार थे, उन्हीं के कमाई के ऊपर पूरा परिवार डिपेंड था। और अब ऐसे लगता है कि उस परिवार का पता नहीं कैसे भरण पोषण होगा। मैं भी एक महिला हूँ, उस महिला के दर्द समझ सकती हूँ और हम लोग भी बचपन में कुछ इसी दौर से गुजरे हैं, इसलिए बेहतर तरीके से मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। बिल्कुल वो परिवार अनाथ है, हम सभी को आना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए उस परिवार को मदद करने के लिए। मैं सभी से आग्रह करूँगी कि थोड़ा थोड़ा मदद उस परिवार को ज़रूर करें। बिल्कुल, इस घटना का FIR थाने में दर्ज हुआ है, हम लोग प्रशासन से मिलकर इस घटना का जांच कराएंगे और जो भी अपराधी होंगे, जो भी दोषी होंगे, उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि सज़ा मिले, इस परिवार को न्याय मिले और साथ ही जो इनको आपदा विभाग से जो मुआवजा मिलना है उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि समय से इनको मुआवजा मिल जाए। और साथ में ये गर्भवती हैं तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएँ गर्भवती महिलाओं के लिए, वो सारी योजनाओं का लाभ इनको हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। और शायद समय से प्रशासन लग गई होती तो उस घर का जो चिराग था बुझता नहीं, बुझने से पहले घर में आ जाता। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण ये घटना हुआ और हम लोग का प्रयास रहेगा कि आगे जब भी ऐसी कोई घटना हो तो समय रहते प्रशासन को हम लोग मजबूर करेंगे कि वो कार्रवाई करें। बड़ी स्थिति दयनीय है, हम वहाँ पर पहुँचे थे तो पता चला कि राजबल्लभ जी थे, उनके ये लड़के थे, राजबली जी, तो उनके लड़के थे जिनकी बहरहमी से हत्या कर दी गई है। तो ये निश्चित रूप से बहुत दुखद बात है और हम लोगों ने उनसे मिल के, उनके परिवार लोग वाले से, लोगों से मिल करके सांत्वना दिया और बोला कि जहाँ तक आपकी मदद होगी, आर्थिक मदद जो हुआ वो लोग हम लोग किए। जरूर करे, मान लो कि हमने के जीता दम सब कुछ करबे करब जरूर करे तो मालिक से ना देही। कौन गाँव है? क्या पश्चिम पट्टी। ये समस्या है कि हमारे गांव में रोड, जो मंदिर तल का रोड है, उसको आज तक ले कोई नेता नहीं बनाया। गांव वाला लोग मिल करके उसको भर करके वो रास्ता, ये गोड़िया रास्ता बनाए हैं लोग आने जाने के लिए, कि आज तक ले नहीं। वो हर नेता आकर के वोट लेकर के अपने अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, अब रह गया कि सुरेश का, हम लोग का गांव में घटना हो गया, गांव में घटना, वो बालू बेचारा गिराता था, राजबली का लड़का था,
आ उसके बाद में हम लोग खोजने के लिए निकला, नहीं पता चला। कल हम लोग गए वो लाइनी के जरिए, तो पता चला कि वो लाइन के जरिए बिग उसको उधर बिग दिए हैं लोग। तब उसके बाद में हम लोग आए, जीवन यादव आए तो बोले हम लोग से कि आप लोग रोड घेरिएगा, तब उसके बाद में हम लोग उसका ये मिलेगा अजा। तो हम लोग आके रोड घेरे, और रोड घेरने के बाद में उसके बाद में सीओ साहब आए, और उसके बाद पुलिस आया, बोला कि हम उसका लगान जो अथी है वो हम देंगे। इसीलिए हम लोग वो लिख दिए सीओ साहब कि ठीक है, इनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा बाल बच्चा के लिए, और डिलीवरी जो है उसके लिए फ्री, माने हम वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका फ्री इलाज होगा। आज अनुराधा गुप्ता आए हैं मिलने के लिए, तो ये पूरा ये हमारा गांव सहयोग देगा, और हमारे गांव बहुत खुश है कि आए हुए हैं, हम लोग जिताएंगे। आप देखे होंगे कि यहाँ गांव के पूरे भीड़ उमड़ आई है, इसमें जात पात कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये गांव बिल्कुल मेरे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आगे खड़ा था, और मुझे इस गांव से ज़्यादा उम्मीद है कि निश्चित ये गांव मुझे विशेष कर इसलिए मुझे आशीर्वाद देगा और सहयोग करेगा, क्योंकि मैं यहीं पचरुखी की बेटी हूँ और सिवान की बहू हूँ, तो ये बीच में गांव पड़ता है, तो उसका असर इस गांव पे मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। निश्चित ये गांव से मुझे जीत का माला पहना दिया, चूँकि महिला वो लोग हैं और मैं भी एक महिला हूँ, और मैं उन लोगों के बीच आग्रह कर रही हूँ, तो उन लोग को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जीत कर आऊँगी तो कुछ करूँगी, इस उम्मीद में वो मुझे माला पहना रही हैं।